गोंडा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क का किया गया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश में आज दिनांक 23/10/2020 को थाना कोतवाली नगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन, रेंज डॉक्टर राकेश सिंह वे पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री शैलेश कुमार पांडे द्वारा हेल्प महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट हामिद अली। कार्यक्रम था जिसको लेकर के मुख्यमंत्री वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे थे, और सर क्या इसमें क्या मोटो क्या है पूरे मिशन का? सर जानते हैं कि मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट है। 17 अक्टूबर को ये बलरामपुर जनपद प्रारंभ हुआ। आज इसके लिए महिला हेल्प डेस्क का प्रदेश के सभी थानों में उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारा जो गोंडा है ये मंडलीय मुख्यालय का एक थाना कोतवाली लिया गया, जिसमें कि आज वहाँ से ऑनलाइन उसका लोकार्पण किया गया है महिला शक्ति कक्ष का। और आगे 6 बजे तक ये प्रभाव चलेगा, जिसमें कि विभिन्न तरह की जो कार्यवाही किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा भी आप विस्तार से बताएंगे। सर गोंडा में शक्ति कक्ष का उद्घाटन किया गया, ऐसे में यहाँ पर कुछ महिलाओं का सम्मान किया गया, कौन सी महिलाएँ? ये महिलाएँ जो विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों से में काम कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, जागरूक हैं, उनको आज से इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम में उसे अनुरोध किया गया, लगाया गया है, जो कि इसको भी आगे बढ़ाएंगी। लोग महिलाओं में जागरूकता, उनके अंदर जो है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना देने के लिए जो 1090112 जो व्यवस्था है उसको प्रचारित प्रसारित करेंगी। उन महिलाओं को आज सम्मानित करके पूर्व कार्यों किया गया, लेकिन आगे ये हमारे लिए कारण जो भी अपने कारण जोड़ेंगे सामाजिक कार्य करने में बढ़ाएगा। सर कोई रैली भी आप लोग? हाँ, ये इसके लिए जो है तीन रैली निकाली गई है। हमारी महिला पुलिसकर्मियों ने आत्मविश्वास बढ़ाते हुए यहाँ की महिलाओं को ये बताते हुए कि हम आपके साथ हैं, यहाँ जनपद पुलिस आपके साथ है, और मिशन शक्ति में आप साथ आइए, और किसी भी तरह की समस्या तो पुलिस पास आए और हम आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सर आपके पीछे शक्ति कक्ष है, ये किस पर्पस के लिए जो है? ये इसका उद्देश्य है, ये महिला हेल्प डेस्क है, जिसमें कोई भी पीड़ित महिला इसके अंदर आएगी, इसकी जो महिलाओं द्वारा एक उसको पर्ची दी जाएगी, उसके आवेदन को दर्ज किया जाएगा, उसका निशान किया जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि महिला संबंधी अपराधों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था हर थाने की। सर एंटी रोमियो अभियान चलता था और मिशन शक्ति अब आया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं है, एंटी रोमियो का ये विस्तृत रूप है। मिशन शक्ति में एंटी रोमियो हमने चला है, उसमें एंटी रोमियो भी शामिल है, और इसके अलावा बहुत सारे और पहलू जोड़ करके इसको विस्तार दे करके बड़ा कार्यक्रम बनाया। सर कितने महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया? यहाँ पर जनपद की 18 महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, और आगे इसमें और जो महिलाएं ऐसा काम करेंगी वो आगे और सम्मानित किया जाएगा। सर ये रैली में कौन लोग शामिल थे? इस रैली हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है वो ये जनपद की और ये थाने से और जनपद वाली जुड़ी महिलाएं हैं जो नगर क्षेत्र में प्रचार करेंगे। इस तरह रैलियाँ हम आगे समय हर सभी कस्बों में और सभी मुख्य स्थानों में निकाली जाएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू।